नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फूड पंडा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए नाश्ते की एक रेसिपी लाई हूँ जो बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ही टेस्टी है। फ्रेंड्स, मैंने इसे डोसे के बैटर से बनाया है। डोसे के लिए मैंने लगभग 2 कप चावल लिए थे और 1/2 कप मैंने उड़द का दाल लिया था। उसे मैंने रात भर भिगो दिया था और उसे सुबह पीस के मैंने नमक डालकर 4-5 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए रख दिया था। जब मेरे डोसे के घोल फर्मेंट हो गए तो मैंने उसमें 1 प्याज छोटे छोटे कतर के डाले हैं और 1 हरी मिर्च डाली है, थोड़े से धनिया के पत्ते डाले हैं और मैंने कुछ भी नहीं डाला है फ्रेंड, क्योंकि घोल मैंने बनाया था और वो क्लिप मेरे गड़बड़ हो गए हैं। लेकिन यह रेसिपी मैं डाल रही हूँ इसलिए मैंने आपको पहले ही बोल के समझा दिया है। अगर आप शाम दिन में बैटर बना रहे हैं तो रात भर के लिए बाहर रख दें और उसके बाद सुबह बच्चों के लिए टिफिन में बनाएं, बहुत ही टेस्टी है। इसमें मैंने इस बैटर में मैंने कुछ भी नहीं, 1 प्याज का तड़का डाला है, छोटी सी हरी मिर्च डाली है, थोड़े से धनिया के पत्ते डाले हैं और नमक मैंने मिलाया है और मैं इसे अप्पा पात्र में मैं इसे डाल रही हूँ। यह बच्चों को टिफिन में देने के लिए बहुत ही टेस्टी नाश्ता है फ्रेंड। अगर आपके पास डोसा का बैटर बच जाता है या इडली का तो इसे आप बना, इस बैटर को आप इस छोटी छोटी कैविटी में डाल दें और उसके बाद आप इसे एक ढक्कन से ढक दें लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। जब ऊपर में से थोड़ा सा बैटर थोड़ा ड्राई जैसा लगने लगे तो बीच बीच में आप ब्रश से थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा दें साइड साइड से और उसके बाद 3-4 मिनट के बाद आप इसे पलट दें। ये बहुत ही ईजी रेसिपी है फ्रेंड्स। मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ, मैंने 2 कप चावल लिए थे और उसमें मैंने लगभग 1/2 कप उड़द का दाल लिया था। जितना आप चावल ले रहे हैं उसका 1/3 उड़द का दाल। यह डोसा और इडली की रेसिपी है, चावल और उड़द की दाल की यही रेसिपी होती है। अगर आप 3 कप चावल ले रहे हैं तो 1 कप उड़द की दाल लगेगी। चूंकि मैंने 2 कप चावल लिए थे इसलिए मैंने 1/2 कप से भी थोड़ा कम उड़द का दाल लिया है। इसे मैंने 2-3 घंटे के लिए सोफ कर लिया था और फिर मैंने इसे ग्राइंडर में ग्राइंड करके उसे ढक के रात भर के लिए फर्मेंट होने के लिए रख दिया था फ्रेंड। फर्मेंट होने के बाद मैंने सुबह इसे निकाला है, मैंने इसमें छोटे छोटे प्याज के तड़के डाले हैं और फिर मैंने इसमें 1 ग्रीन चिली डाली है, थोड़े से मैंने धनिया के पत्ते डाले हैं और मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है और मैंने घोल को खाली अच्छे से फेंट के फिर मैंने इस अप्पा पात्र में डाल दिया है। इसमें बने हुए अप्पे बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। आप बच्चों को टमाटर सॉस के साथ दीजिए या धनिया पुदीने के चटनी के साथ दीजिए, ये हर हाल में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। मैंने आज बनाया तो मैंने सोचा चलो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देती हूँ। मैं अप्पे बनाने की और रेसिपी एक बार और शेयर करूँगी फ्रेंड्स। देखिए कितनी आसानी से अप्पे को मैंने पर दिया है, ये बहुत आसानी से बनते हैं दोस्तों। इसमें किसी भी तरह की मेहनत की कोई भी आवश्यकता नहीं है और बहुत ही क्विक बनते हैं। आप सुबह ही बच्चों को तुरंत ही बना के आप घोल को बना के फ्रिज में रख दें और सुबह केवल मिलाएं और बच्चों को लंच में दे सकती हैं दोस्तों। देखिए मेरे मज़ेदार से टेम्प्टिंग अप्पे बन के तैयार हो गए हैं। ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। अप्पे बहुत ही तरह से बनते हैं, मीठे भी बनते हैं, ये सूजी से भी बनते हैं। मैं आपके लिए और भी अप्पे की रेसिपी लाऊंगी दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों, आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है मुझे बताएंगे और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। देखिए मेरे एक बैच वाले अप्पे बन गए हैं, अब मैं इसमें अपने दूसरे बैच के अप्पे को डाल दूँगी।
इन्हें लगभग बनाने में 3 से 3.5 मिनट का वक्त लगता है। इसे बस हमें अप्पा पात्र में डाल के ढक देना है। आजकल अप्पा पात्र बहुत इजीली बिग बाजार, पेंटालून या अन्य किसी भी यूटेंसिल स्टोर में मिल जाते हैं। आप अमेजन पर भी उपलब्ध है, अमेजन से भी मंगा सकते हैं, फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं, ये सभी जगह उपलब्ध हैं दोस्तों। देखिए मैंने डाल दिया है, मैं दो दो बूंद, बहुत ही इसमें कम ऑयल लगता है, बहुत ही ऑयल फ्री है ये डिश। मैंने बस दो दो बूंद इसमें ऑयल डाला, अब मैं इसे ढक दूंगी और 3 मिनट के बाद मैं इसे निकाल दूंगी। प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, थम्सअप का बटन भी ज़रूर दबाइएगा और आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। मैं जो भी रेसिपी लाती हूँ बिल्कुल घरेलू रहती है दोस्तों, ये मैंने किसी सेट में नहीं बनाया है, मैं अपने घर के किचन से बनाती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। और बिल्कुल घर के तरह बने हुए रहते हैं, इसमें मैंने किसी भी तरह के बाहरी चीज़ों का, बहुत ज़्यादा महंगे चीज़ों का प्रयोग इसलिए मैं अपने रेसिपी में नहीं करती हूँ। देखिए दोस्तों बिल्कुल जल्दी में हमारे अप्पे बनके तैयार हो जाते हैं। बच्चों को लंच में देने के लिए बहुत ही परफेक्ट है। इसे आप बच्चों को टमाटर सॉस के साथ दें, क्योंकि बच्चों को टमाटर सॉस वैसे भी बहुत प्रिय हैं, या फिर बड़ों को आप, अगर आप शाम के स्नैक्स में दे रही हैं तो धनिया पुदीने की चटनी के साथ दें, या खजूर और इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ भी आप सर्व कर सकती हैं। ये किसी भी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल इनमें फ्राइड इडली की तरह टेस्ट आता है। इसे आप सांभर के साथ भी सर्व कर सकती हैं या नारियल की चटनी के साथ भी सर्व कर सकती हैं। देखिए मेरे अप्पे बनके बिल्कुल तैयार हो गए हैं, अब हम इन्हें चलिए सर्व करते हैं। प्लीज़ दोस्तों आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल भी ज़रूर दबाइएगा दोस्तों, जिससे कि मेरी आने वाली रेसिपी आपको मिल सके। देखिए दोस्तों मेरे अप्पे बनके बिल्कुल तैयार है, मैंने इसे सर्व कर दिया है, मैंने इसे धनिया। दोस्तों आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, तब तक के लिए बाय बाय।